कहते हैं कि एक पिता को अपने बेटे का बाप कम दोस्त ज़्यादा बनना चाहिए। अगर आप किसी पिता से पूछेंगे कि क्या उनका रिश्ता ऐसा है तो पापा का जवाब हाँ होगा, लेकिन बेटे का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जहाँ पापा कहते हैं कि उनका बेटा उन्हें हर बात बताया करता है, वहीं बेटे का जवाब होगा ना बाबा ना, कभी नहीं, पापा को सारी बातें बताकर मरना है क्या। बेटा जब 18 साल का हो जाता है तो वो खुद को बड़ा और समझदार मान लेता है, लेकिन वो कहते हैं ना बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बस यही एक बात पापा के दिमाग से निकलती नहीं और बेटे को ना समझ और बच्चा ही मानते रहते हैं। हर बेटे को लगता है कि पापा बिना वजह हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, और यह बात बन जाती है पापा बेटे के बीच के दोस्ती के रास्ते का कांटा। अक्सर माँ पे फिल्में बनती हैं, गाने बनते हैं, डायलॉग्स बनते हैं, और पापा को अक्सर इन सब बातों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। अनडाउटली माँ इज़ गॉड गिफ्ट फॉर अस, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप उस बाप को पहचाने जो हर फैमिली का बेस होता है। कृष्ण भगवान को हम यशोदा का लाडला, देवकी का गोपाल कहकर जानते हैं, पर हम वासुदेव को भूल नहीं सकते, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए यमुना नदी की बाढ़ में चले गए। रामायण में हम जानते हैं कि एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए राम का वनवास मांगा था अपने पति से, एक भाई जिसने अपनी बीवी को छोड़ के भाई के साथ वनवास स्वीकार किया, एक पत्नी जिसने अपना महल छोड़ दिया सिर्फ अपने पति के लिए, एक पति जो पत्नी के अलावा किसी और का ना हो पाया। तो हम उस दशरथ पिता को भी नहीं भूल सकते जिसने पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए। माँ अपने बच्चे को दुनिया में जीने के काबिल बनाती है तो बाप उसके लिए दुनिया बनाता है। माँ से हर कोई प्यार करता है, पर अक्सर पिता को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। उनके गुस्से में जो प्यार है वो हम देख नहीं पाते, पर जब हम समझेंगे कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और किस हद तक हमसे प्यार करते हैं, तो बस उस दिन से हमें हमारा रोल मॉडल ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो यही है हमारे सामने, हमारे पापा।